तो महंतों और यहाँ जो पधारे हुए है जो दरअसल साध्वी देवी और भक्त समाज भाई और बहनों और जो कष्ट लेके 5 दिन से यहाँ सत्संग शुरू है तो 5 दिन के सत्संगत में पंचभूत प्राण का बराबर ज्ञान हुआ है। ये आप संतों के वाणी से हमने सुना, ये बड़े हमारी भाग्य की बात है। पंचभूत प्राण और ये जो ज्ञान हमें हुआ है, अब क्या नहीं कहा क्या कहन का राखा और जो जो कहा तो सत्य ही भाका। अब आप पूर्ण आहुति है, पूर्ण आहुति के बाद में अब सत्संग तो लुप्त तो हो गया है, अब आगे सत्संग बढ़ नहीं सकता, विषय पर विषय चलते गया। आप संतों की बड़ी महानता है, इस कारण मैं कहता हूँ थोड़े टूक में ऊंचे विचार संतों के कैसे वर्णन करो, ऊंचे विचार संतों के कैसे वर्णन करो। 5 दिनों से चल रहा सत्संग दोपहर शुरू, पंचभूत ज्ञान का सहारा मिला जरूर, भीष्म पिता से ज्ञान का भीष्म जैसा बाण का हमको छेदा जरूर, काम क्रोध के बाण को आपने मारा जरूर, पात्र हमारा अधूरा है मैं परिवार मजबूत, ऊंचे विचार साहब के कैसे वर्णन करो। अब चल जाने के बाद में कैसे हृदय धरो, चांद सूरज जब तक रहे युवराज जी का नाम रहे, कारण से ही कार्य को होता है जरूर, ऊंचे विचार साहब के कैसे वर्णन करो। मुक्तम ज्ञान हमको दिया इने, मुक्त में हमको ज्ञान दिया इने, दाता हमने देखे जरूर, ऐसा दिलवान कोई न मिला हमको आज तक जरूर, ऊंचे विचार साहब के कैसे वर्णन करो। आप चले जाने के बाद में हम रोएंगे जरूर, आप चले जाने के बाद में हम तो रोए जरूर, इंतजार यही बात का ये समय आवे जरूर, अगले बार यही मंच ते सत्संग हो रहा शुरू। इतनी बात तो कहे कर समय बाधा जरूर। आप जिन्हों को धन्यवाद है, आप जिन्हें को धन्यवाद है जिन्हें मंच भराया जरूर, चांद सूरज जब तक रहे युवराज का नाम रहे। और अब स्वयं आटोने जी वर्तमान हैं, उनके दिल में उनके हृदय में क्या उद्गार है हम तो कह नहीं सकते, वो खुद कहेंगे। तो मुख्य यजमान और मेजबान युवराज आटोने साहब जी। आदरणीय संतजन, माताएं तथा बहनों, ये बड़ा सुखद क्षण हमारे लिए 5 दिन से चल रहा है, आज अंतिम मेला में हम पहुंच गए हैं। शुरू हुआ था ऐसा लग नहीं रहा था कि कभी अंतिम मेला भी आएगी अपने में, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है इतने संतजन कल से हमसे पिछड़ जाएंगे आज से। ये इसकी पुनरावृत्ति
हम आगे कैसे कर सकते हैं, ये सभी गांव वालों को सोचना है। एक का काम नहीं है, सभी का काम होना चाहिए। एक एक काम में वो इंटरेस्ट नहीं आता जो सबका होता है। मैं चाहता हूँ इसमें सभी सहभाग लीजिए आगे से, और ये संत हमारे साथ हर साल यहाँ पे आके हमको इसी टाइप का कुछ ज्ञान देते रहे। एक बात मुझे याद आती है, दो तीन मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, समय बहुत कम है। अभी 11:30 बजे साहब लोगों की गाड़ी है, नागपुर से जाना है उनको, उसके तैयारी भी करनी है। आरती के पश्चात सभी लोग प्रसाद लेंगे फिर जाएंगे, ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो उदाहरण भी रख देता हूँ अभी समय की वजह से। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ बस इतना संकल्प आप जरूर करिए, सभी साहब लोग हर साल गांव में आए और अपन कम से कम 4-5 दिन 7 दिन जैसे भी हो इन सत्संगों का लाभ लें, जिससे अपन जीवन अपना दुरुस्त करें और अपने जो दुर्विचार है, दुर्भावनाएं हैं, दुर्गुण हैं, इनसे अपन अलग हटे और एक अपना आत्मिक बल हमेशा के लिए कायम रखें, जिससे संपन्नता की ओर अपन अपने गांव की उन्नति के लिए ऐसा एक आदर्श गांव बनाए, ऐसा आदर्श गांव बना के एक तहसील में अपने को आदर्श प्रस्ताव के लिए, इसके लिए अनुसंधानात्मक कार्रवाई अपने साहब के माध्यम से कर सकते हैं। इन संकल्पों के साथ मैं रुकता हूँ।